से इट्स अ रेसिप्रोकल, जैसे लॉ होता है उस टाइप का, जैसे हम लोग विक्टिम्स करते हैं, विक्टिम्स का रेसिप्रोकेट हो सकता है स्ट्राइक बैक, इज ए सिनोनिम ऑफ विक्टिम्स। बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ये फिल्म स्टोरी ये है कि इट्स अ फिल्म ऑन वुमेन ट्रैफिकिंग। बेसिकली दिस इज एन इंटरनेशनल इशू राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि 6 साल की बच्ची से लेके 60 साल की लेडीज तक को भी गैंग रेप किया जाता है, बलात्कार होता है। देर आर सो मेनी वेज जहाँ पे अत्याचार होता है लेडीज के ऊपर। तो हमारी स्टोरी वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर है, दैट्स ऑल। एंड सर, व्हाट्स दिस थिंग इंडो अमेरिकन फिल्म का कैसे इस तरह से क्या कनेक्ट है इस फिल्म सर आप पूछ सर प्लीज। हाँ, ये हमने एक अमेरिकन कंपनी का साथ, प्रोडक्शन हाउस का साथ मिलके कर रहे हैं। इसे इंग्लिश फिल्म एंड इसे हॉलीवुड फिल्म, तो कुछ इंडिया में शूट होगा, कुछ अमेरिका में शूट होगा, इसीलिए इसको इंडो अमेरिका वेंचर बोला। तो अपना एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? या डेफिनेटली, आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्चुअली बॉलीवुड में काम करने का सब सपना देखते हैं, बट फॉर मी इट्स लाइक टाइम टू हॉलीवुड। जैसे कि सर ने कहा कि ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में होगा, और सम पार्ट इन मुंबई इन इंडिया एंड सम पार्ट इन US हम लोग शूट करने वाले हैं। और जो स्टोरी है वेमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर, और एज ए लीड रोल आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, मुझे बहुत ही मतलब मौका मिल रहा है कि अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए। और डिफरेंट है आजकल, मतलब आप सभी मीडिया में सब सबको पता है कि लाइक किसी लड़की के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है, गैंग रेप होता है या बलात्कार होता है, तो सब हम सब मिलके फाइट करते हैं कि इन लड़की को इंसाफ मिलनी चाहिए। बट थ्रू दिस मूवी हम लोग ये जर्नी दिखाते हैं कि लड़की के साथ क्या हो रहा है और लड़की कैसे अपने आप को बचाने के लिए या तो सोसाइटी को एक मैसेज देती है। और जो हम चाहते हैं कि लड़की की इज्जत सबसे बड़ी होती है हमारी सोसाइटी में, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। सोना, लेकिन यही फिल्म क्यों सिलेक्ट की आपने, मतलब क्या खास वजह क्या लगी आपको व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? ये डेफिनेटली मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, कुछ डिफरेंट है एक वेमेन के लिए। जैसे मैं हमेशा चाहती हूँ कुछ डिफरेंट कैरेक्टर करूँ, और जो भी स्टोरी रहे उसके साथ कुछ सोशल मैसेज रहे, तो इस फिल्म के माध्यम से मैं कुछ सोशल मैसेज सोसाइटी को देना चाहती हूँ। और जो कैरेक्टर है वो बहुत ही डिफरेंट है, द वे आई एम लुकिंग जितनी गॉर्जियस और जितनी ये लग रही हूँ ट्रेडिशनल वे पे, द कैरेक्टर इज समथिंग डिफरेंट, बहुत ही उल्टा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये कैरेक्टर। डायरेक्टर सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आई मीन बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने कहा कि आप DOP भी है फिल्म के एंड यू आर आल्सो डायरेक्टिंग द फिल्म, आई मीन हाउ डिड दिस हैपन, ये क्या कहानी है? लिसन, बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है, बेसिकली आई एम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। सिंस लास्ट 22 ईयर्स आई हैव बीन डूइंग DOP वर्क इन बॉलीवुड। डायरेक्शन एक पैशन था मेरा, तो मैं पिछले 8-10 साल से काफ़ी कुछ कमर्शियल एड्स, मोर देन 100 कमर्शियल एड्स, टेलीफिल्म, कुछ फिल्मों में क्रिएटिव डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर का काम करने के बाद आई जस्ट रोट 2-3 सब्जेक्ट्स कि यार कुछ सब्जेक्ट ऐसा किया जाए जो कि डायरेक्शन, डीओपी एक अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, ये सब लोग बोलते थे, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग डायरेक्शन, व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग डायरेक्शन, आज ये DOP आई फाउंड कि मैं यार हर शॉट में 10 मिनट तो बचा ही लेता हूँ। क्योंकि आप एक DOP को समझाओगे, यहाँ पे कैमरा रखो फिर वो लाइटिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए क्या होता है कि आई कैन फिक्स द कैमरा एट ए प्लेस एंड डायरेक्शन फिर मैं करता हूँ। और सोशल इशू बेस्ड पे मैंने काफ़ी फिल्में किए हैं, दिस इज द ओनली पार्ट लेफ्ट जो कि एक फिल्म हो रही थी वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्गन डोनेशन से लेके कैंसर, लेप्रोसी, हर फिल्म करके मैंने काफ़ी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लिया है। एंड आई एम ओब्लाइज टू प्रोड्यूसर मिस्टर राजेश महांती, इज वेरी पैशनेट प्रोड्यूसर। व्हेन ही हैड द स्टोरी विद इन 4-5 डेज, आई थिंक इट डिडंट टेक मच टाइम टू फाइनलाइज द फिल्म, विद इन 4-5 डेज ही कॉल मी, बोले शेखर जी लेट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, एंड नाउ विद इन 7-10 डेज वी आर शूटिंग। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो, एंड आई वुड लव टू डू दिस फिल्म इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, सो दैट इट विल बी वेरी गुड इंडो अमेरिकन वेंचर फॉर फ्यूचर। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि आप काफी पैशनेट है, तो आपके जो प्रोडक्शन हाउस है उससे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, जैसे W देखी हमने, रिंग देखी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मोटो होता है जब भी आपके प्रोडक्शन से कोई फिल्म निकलती है, उस बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हम सोचते हैं हमारा प्रोडक्शन हाउस में जो भी आएगा एक सोशल मैसेज आए जिसको देख के लोग इंस्पायर हो, तो हम उसी तरह से फिल्म बनाना चाहते हैं। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट का थ्रू में हम कुछ मैसेज सोसाइटी को थ्रू देना चाहते हैं। सर, एज ए कैप्टन ऑफ द शिप कितना मुश्किल था और कितना रिसर्च करना पड़ा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जैसे करंट टॉपिक भी है कहीं ना कहीं, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिसर्च किया? मैं फ्रैंकली एक बात बताऊं,
आज की तारीख में आप लोग तो सब मीडिया रिलेटेड लोग हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर को सुबह से देखते हो, 30 दिन में ऐसा कोई एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन आज की तारीख में इंडिया में एक न्यूज़ नहीं आता है कि आज 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, 12 साल की बच्ची को किडनैप करके ले गया, 3 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली। तो ये सब जो घिनौना हरकतें होते हैं जिसको बोलते हैं पैसाचिक मस्तिष्क या विकृत मस्तिष्क जिसको बोला जाता है, आई डिडंट रिसर्च मच इट, रिसर्च अपने आप में पेपर में आ जाते हैं रोज के रोज। कि आप रोज अगर 10 कहानी आप देखोगे, 10 कहानी के अंदर आप ढूंढ लोगों के अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन द फाइनल पॉइंट इज दैट कि द गर्ल इज बीइंग ब्रूटली रेप्ड और द गर्ल इज बीइंग किल्ड और द गर्ल कमिटेड सुइसाइड। तो ये तीनों चीज़ों को जब मैं आंखों के आगे देखा, फिर मैंने देखा कि यार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बना जाए कि एक लड़की उसके ऊपर अत्याचार होने के बाद अगर मर जाती है तो फिर सोसाइटी में तो ये चीज़ें रोज का रोज बढ़ता जाएगा, तो वाई नॉट मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दैट, लेट मेक इट अ साइको थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग। आई कैन नॉट रिवील द स्टोरी राइट नाउ बिकॉज वी आर जस्ट शूटिंग द टीजर पार्ट राइट नाउ, बट वंस द फिल्म इज मेड यू लेवल टू सी द फिल्म एंड यू ऑल विल लव दिस फिल्म। हाँ, जब हम कुछ सोशल मैसेज के ऊपर फिल्म बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, आज का जो ऑडियंस है वो कंटेंट बेस्ड हो गए हैं, तो कंटेंट बेस्ड स्टोरी बनाना और कुछ आउट ऑफ बॉक्स स्टोरी बनाना ऑलवेज एक्साइटेड होता है एक प्रोडक्शन हाउस के लिए, और काम करने में मजा भी आता है। तो अपना फाइनली बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों से डेब्यू करने वाली हैं आप, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फिल्म के बाद? एनीथिंग एल्स यू आर अ पार्ट ऑफ, ऐसे कुछ प्लान है आगे फ्यूचर में? आई होप ऑडियंस को मेरी एक्टिंग पसंद आएगी और लोग चाहेंगे कि स्वप्ना और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में काम करे, और मैं चाहूँगी कि बॉलीवुड में जैसे हर लड़की का एक सपना होता है कि वो मतलब एक हीरोइन बने, लोग उसको पहचाने पूरी इंडिया में, तो वही एक्सपेक्टेशन रहेगी इस फिल्म के माध्यम से, जो कि हम लोगों ने इंडो अमेरिकन फिल्म जो भी कर रहे हैं, तो इट्स ए मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि इंडिया में भी और बाहर में भी लोग मुझे जानने का मौका मिले। सपना जी, लुक के बारे में कुछ बताइए, काफ़ी ग्लैमरस लग रहे हैं आप, और कौन सा पार्ट टीजर का यहाँ पर शूट हो रहा था आज के दिन में, अगर उस बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताया। देखिए, जैसे कि हम अभी तो टीजर शूट कर रहे हैं, आप तो टीजर मतलब एंटायर फिल्म का पूरा जो स्टोरी है उसको हम 2 मिनट में या 3 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप मतलब जो भी है, ग्लैमरस लड़की है और उसके साथ जैसे वेमेन ट्रैफिकिंग का स्टोरी है, और एक लड़की ग्लैमरस क्यों दिखती है बिहाइंड दिस, जैसे स्ट्राइक बैक है ना, माइट भी कुछ स्ट्राइक हुआ है उसके दिमाग में और वो बैक करके कुछ करने वाली है, इसी के ऊपर ही स्टोरी है। On that note, viewers, wishing all of you very, very best. All the best. Thank you so much. Hi, मेरा नाम अनुपमा प्रकाश है, मैं साउथ की एक्ट्रेस हूँ और I'm doing here lead role की second like friend role. So of course it's a very exciting role. तो आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं? किस तरह का character, कुछ अगर character के बारे में? मैं एक्चुअली इसमें छुपी रस्तम टाइप की लड़की बनी हूँ और मैं सपना की फ्रेंड का रोल कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है कि मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड। हाय, नमस्कार, मेरा नाम रिशांक है, आई थैंक यू ऑल फ्रॉम माई हार्ट टू बी हियर एंड गिव अस दिस प्रिविलेज प्लेटफॉर्म। वेल, जैसा हमारे डायरेक्टर सर ने, चंद्रशेखर सर ने आप लोगों को बताया कि आई एम प्लेइंग वन ऑफ द मेन प्रोटागनिस्ट इन द फिल्म। ये कहानी है एक लड़के की, जो एक आम लड़का है, जो आज के मोस्ट ऑफ द जनरेशन में से, कि जो आज जनरेशन की थिंकिंग है, ही इज पोर्ट्रेइंग द थिंकिंग एंड थॉट्स ऑफ यंग जनरेशन ऑफ टुडे इन द फिल्म। एंड या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पात्र को निभा पाऊँ एंड आप तक वो बात पहुँचा पाऊँ कि आज का जो यूथ है वो किस तरह से सोचता है और किस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हाय, माय नेम इज एलेक भगत, शेखर जी कॉल मी एंड ही सेड एलेक देयर इज अ इंडो अमेरिकन फिल्म इज गोइंग टू फ्लोर इन मुंबई, सो यू कम एंड देयर इज अ डॉक्टर कैरेक्टर एंड ही एक्सप्लेन मी अबाउट द स्टोरी लिटल and I like this Indo-American story and this totally US-based film and I like the subject about this film and I fly right away to Bombay and as a doctor character in this film. Hi, my name is Priya Ramanandi and I would love to thanks first of all Shekhar ji
राजेश जी, स्वप्ना जी, बिकॉज उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इस कैरेक्टर के काबिल समझा. सो थैंक यू सो मच एंड माई कास्ट एंड क्रू सो हु आर सपोर्टिंग मी अ लॉट एंड आई वुड लव टू थैंक्स ऑल ऑफ माई टीम एंड क्रू एंड ऑल. सो दिस वॉज द कैरेक्टर लाइक प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज अ लाइक गुंगा कैरेक्टर है बिकॉज कोई भी डायलॉग्स नहीं है एंड आई हैव टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बाई माई एक्सप्रेशंस. सो दिस इज समथिंग न्यू व्हाट आई गॉट टू डू एक्चुअली एंड आई एम लविंग इट बिकॉज दिस इज एक तो हॉलीवुड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिल्म इज ऑफ हॉलीवुड एंड सब लोगों का सपना होता है जो भी बॉलीवुड में भी काम करते हैं. सो उन लोगों का भी सपना होता है कि यू नो हॉलीवुड में काम करें. इन लोगों ने मुझे इसके काबिल समझा सो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई वुड लव टू प्रूव माई सेल्फ ये कैरेक्टर मैं अच्छे से निभा पाऊँ एंड ऑल. गाइस वन थिंग, जब जो मैंने डायरेक्टर से जब बात की, ही सेड दैट द स्टोरी इज लिटिल डिफरेंट जो हम देखते हैं फिल्मों में आजकल. जब आप लोगों ने कहानी सुनी थी द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड एंड यू गेट एसोसिएटेड विद द फिल्म लाइक व्हाट? डेफिनेटली स्टोरी इज वेरी वेरी डिफरेंट एज एज डायरेक्टर सर एंड प्रोड्यूसर सेट की आर कि येस वी वॉन्टेड टू सम डू द आइस ब्रेकिंग थिंग एंड स्टोरी इज इट्स अ यूनिवर्सल इशू दिस डेज लाइक वुमन ट्रैफिकिंग. जैसे हमारे डायरेक्टर ने कहा कि वुमन ट्रैफिकिंग इज अ यूनिवर्सल इशू एंड वी आर पोर्ट्रेइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड बेसिकली इट्स अ फिल्म ऑन सोशल इशूज. बट अब जब आप फिल्म देखेंगे फिल्म एक एंटरटेनिंग है विद अ प्रॉपर मैसेज एंड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल ऑल्सो. सो दिस फिल्म टेक्स अस अराउंड एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑफ की बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो जो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की, हमारी सोसाइटी की, कंट्री की एंड मे बी वर्ल्ड वाइड. सो आई एम सॉरी हम स्टोरी रिवील नहीं कर सकते बट on that note I would like to say ki yes it is different and I'm sure aap you will like the film. Okay sir, aap kuch add karna chahte hain? Nahi, mere paas itna zyada information nahi, lekin main utna samajhta hu ki ye story jo ban rahi hai ye pehli bar Indo American mein story aa rahi hai aur bahut bada impact padega ye universal platform pe. Yes, or it is a very good Hollywood films which will release in United States. Yeah. पहले आई डन टू फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स कर चुकी हूँ मैं एंड दिस इज़ माय फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म. सो दिस माय डेब्यू बेसिकली. आई कैन से दैट दिस वाज माय ड्रीम एक्चुअली एंड माय ड्रीम कम्स ट्रू. आई एम सो हैप्पी टू डूइंग दिस फिल्म एक्चुअली. ओके विशांत, आपसे जानना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले, तो कितना प्रेशर था और आप अपने तरफ से कितना प्रिपरेशन किया था? क्योंकि डायरेक्टर साहब ने तो अपनी प्रिपरेशन की होगी लेकिन आपने अपने किरदार के लिए क्या प्रिपेयर किया था? 110% मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था. अगर मेरे सर पे कुछ रख देते तो पक जाता. और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यूथ, यस ये यूथ को रिप्रेजेंट करता है, इनके थॉट प्रोसेस को समझता है और कहीं ना कहीं बताता है कि हर एक यूथ आज का किस तरफ जा रहा है. तो मैं उस किरदार को निभाने में बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ पहले तो, और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए था क्योंकि इफ़ यू आर पोर्ट्रेइंग, अगर आप किसी यूथ का या किसी आप मेंटालिटी को अगर आप एक पोर्ट्रे करते हैं, आप निभाते हैं, तो आपके कंधों पर बहुत सारा भार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कैरी इट करेक्टली, टू डिलीवर इट प्रॉपरली, कुछ गलत ना हो जाए. तो यस इट वॉज वेरी चैलेंजिंग मैं कहूँगा एंड सम वॉट ईजी ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक यूथ हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी वैसे ही सोचता हूँ. तो इट्स लाइक दैट. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो लाइक बहुत ही, जब मैंने रीड किया स्टोरी को तो आई वॉज लाइक कि मुझे करना चाहिए बिकॉज ऑफ समथिंग इज डिफरेंट गोइंग ऑन. तो सभी करते हैं स्टोरी, ये थोड़ा डिफरेंट ही था तो मैंने कहा ये करना ज़रूरी भी बिकॉज ऑफ समथिंग कुछ डिफरेंट 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 करते ही रहना चाहिए. और क्या बोलूँ, आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट माई कैरेक्टर बिकॉज उसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं है एंड मुझे सारी चीज़ अपने फेस एक्सप्रेशन से मुझे दिखानी है, लाइक व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरी सिचुएशंस, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी एंड आई एम प्लेइंग समथिंग डिफरेंट कैरेक्टर. सो इट्स निम्फोमैनिया कैरेक्टर फॉर मी एंड कांट टेल मच अबाउट इट बिकॉज यू हैव टू वॉच. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.